क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में कंपेयर करेंगे तीन वायर ईयरफोन को जो आते हैं रियलमी कंपनी की ओर से, जिसमें सबसे फर्स्ट है रियलमी बड्स क्लासिक, सेकंड है रियलमी बड्स 2 नियो एंड लास्ट है रियलमी बड्स 2। और इस वीडियो में बात करेंगे इन तीनों में से आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए और क्यों, और इन तीनों में क्या क्या प्रोज हैं और क्या कौनस हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की। जहां Realme Buds Classic और Realme Buds 2 Neo की केबल में आपको TPU मटेरियल का यूज़ किया गया है, जो कि दोनों ही सिमिलर देखने को मिल जाती है, और दोनों ही केबल क्वालिटी ड्यूरेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है। आप इसे लॉन्ग टाइम तक ईजिली यूज कर सकते हैं, और ये दोनों केबल टेंगल फ्री हैं, जिससे कि ये आसानी से उलझती नहीं है और काफ़ी लाइट वेट हैं। आप इनको पॉकेट में भी ईजिली कैरी कर सकते हैं। और बात करें Realme Buds 2 की, तो इसमें ब्रेडेड केबल का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक स्टर्डी और ड्यूरेबल है। इसे भी आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें भी टेंगल फ्री डिज़ाइन का यूज़ किया गया है, जिससे ये आसानी से उलझती नहीं है और काफ़ी लाइट वेट है। आप इसे भी पॉकेट में ईजिली कैरी कर सकते हैं। और Realme Buds Classic और Realme Buds 2 में आपको एक स्ट्रैप देखने को मिलती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं येलो कलर की स्ट्रैप दी गई है, जिससे आप इनकी केबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों Realme Buds 2 Neo में ऐसी कोई भी स्ट्रैप नहीं दी गई है, जिससे कि आप उसकी केबल को ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ पर दोनों ही ईयरफोन को एक एडवांटेज मिल जाता है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा में एक स्ट्रैप भी मिल जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन तीनों ईयरफोन के कनेक्टर टाइप की। तो Realme Buds Classic और Buds 2 में आपको स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर बात करें Realme Buds 2 Neo की, तो इसमें आपको 90 डिग्री एंगल ऑडियो जैक दिया गया है। इस एंगल जैक के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे ये आपके फ़ोन से इजीली रिमूव नहीं होता है और ये गेमिंग के लिए भी परफेक्ट है। आपने देखा होगा कि स्ट्रेट केबल इजीली आपके फ़ोन से रिमूव हो जाती है, जिससे आपको बार बार इसे इंसर्ट करना पड़ता है। इसमें एक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल बोर्ड की। इन तीनों ही ईयरफोन में इनलाइन कंट्रोल बोर्ड का यूज़ किया गया है, जहां पर Realme Classic और Neo में आपको सिंगल मल्टीफंक्शन बटन का यूज़ देखने को मिल जाएगा। और इन कंट्रोल बोर्ड में ही HD माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर कॉलिंग पर्पज़ के लिए इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही कंट्रोल बोर्ड में आपको वॉल्यूम कीज देखने को नहीं मिलती है, जिससे कि आप वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और बात करें Realme Buds 2 की, तो इसके कंट्रोल बोर्ड में भी आपको सिंगल मल्टीफंक्शन बटन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ में आपको प्लस एंड माइनस कीज भी देखने को मिलती हैं, जिससे कि आप वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस कंट्रोल बोर्ड के बैक साइड में HD माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है, जिससे कि आप इसका यूज़ भी कॉलिंग पर्पज या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे Realme Buds 2 में एक एडवांटेज मिल जाता है कि इसमें प्लस माइनस की का सपोर्ट दिया गया है, जिनका यूज़ आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। दोस्तों Realme Classic में आपको हाफ इन ईयर डिज़ाइन दिया गया है, जो कि एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है कि आप हाफ इन ईयर डिज़ाइन को पसंद करते हैं या फिर रेगुलर डिज़ाइन को। लेकिन फिर भी यहाँ पर Realme Classic की बात करें तो आप इन्हें ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के बाद आपकी ईयर में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन ईयरबड्स में सिलिकन नेटिव्स का यूज़ नहीं किया गया है, तो आप इन्हें कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। और बात करें Neo की, Neo में आपको रेगुलर इन ईयर डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्मॉल साइज़ में और एंगल डिज़ाइन में दिए गए हैं, जो आपकी ईयर में काफ़ी अच्छी फिटिंग प्रोवाइड करते हैं। और इनमें सिलिकन नेटिव्स का भी यूज़ किया गया है, जिनको आप अपनी ईयर साइज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और बात करें Realme Buds 2 की, तो इसमें भी रेगुलर इन ईयर डिज़ाइन का यूज़ किया गया है, और दोनों बड्स पे आपको Realme का लोगो भी मेंशन मिल जाएगा, और ये ईयरबड्स भी एंगल डिज़ाइन में दिए गए हैं। और इन ईयरबड्स की लुक एंड फील काफ़ी प्रीमियम है, और इन ईयरबड्स में आपको मैग्नेटिक लॉक का फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इन्हें अनयूज्ड कंडीशन में अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर Realme Buds 2 क्वालिटी एंड डिज़ाइन वाइज दोनों ही ईयरफोन से काफ़ी हद तक बेहतर है, और इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिल जाता है कि इसमें आपको मैग्नेटिक लॉक का फीचर्स भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की। Realme Classic में 14.2 mm के ड्राइवर का यूज किया गया है। बात करें वोकल्स की, वोकल्स क्लियर हैं एंड ट्रेबल भी मीडियम लेवल के सुनने को मिल जाते हैं। बात करें बेस की, तो इसमें बेस भी सुनने को मिल जाता है। हाँ, आप कह सकते हैं बहुत हाई लेवल का बेस इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप बेस से इसकी प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाएंगे। और बात करें इसकी लाउडनेस की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90% वॉल्यूम पर प्रीफर कर सकते हैं।
और बात करें नियो की, नियो में 11.2 mm के स्पीकर ड्राइवर का यूज़ किया गया है। बात करें वोकल्स की, वोकल्स इसमें भी क्लियर हैं और ट्रेबल भी डिसेंट लेवल के सुनने को मिल जाते हैं। बात करें बेस की, तो इसमें हाई लेवल का बेस सुनने को मिल जाता है। इस ईयरफोन में डीप बेस दिया गया है। अगर आप बेस लवर हैं तो ये हेडफोन आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकता है। और बात करें लाउडनेस की, तो इसमें भी आप 80-90% वॉल्यूम तक प्रीफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं Realme Buds 2 की, तो इसमें भी 11.2 mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर का यूज किया गया है। बात करें वोकल्स की, वोकल्स क्लियर हैं एंड ट्रेबल भी डिसेंट लेवल के सुनने को मिल जाते हैं। बात करें बेस की, तो इसमें मीडियम लेवल का बेस सुनने को मिलता है, नहीं ज़्यादा हाई कह सकते हैं और नहीं ज़्यादा एवरेज कह सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस ईयरफोन में बैलेंस साउंड सुनने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की। तीनों ही ईयरफोन से आप ऑडियो रिकॉर्डिंग और कॉलिंग पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको क्लासिक बेहतर है या फिर नियो में कुछ कमियां हैं या फिर बड्स 2 बेहतर परफॉर्म करता है। हाँ, जहाँ तक है रियलमी क्लासिक में आपको क्रिस्पी वोकल सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन इन तीनों ही ईयरफोन में आपको 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप इन तीनों ईयरफोन से परफेक्ट कॉलिंग और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए आप तीनों ईयरफोन में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही वायर ईयरफोन हैं तो आपको ऑडियो में डिले देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रियलमी बड्स 2 में आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आप इसकी वॉल्यूम को इनक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि इन तीनों ईयरफोन में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए और क्यों। दोस्तों अगर आप हाई बेस सुनना पसंद करते हैं, यानी कि आप बेस लवर हैं और बेस को प्रिफ्रेंस देते हैं और आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए ईयरफोन में, तो आपको Realme Buds 2 Neo की ओर जाना चाहिए। और अगर आपको हाफ इन ईयर डिज़ाइन पसंद है जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो और उसमें आपको साउंड क्वालिटी भी बेस्ट मिले और उसमें आपको बेस भी सुनने को मिल जाए और जिसकी प्राइस रेंज भी कम हो, तो आप Realme Buds क्लासिक की ओर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक प्रीमियम डिज़ाइन, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल बैलेंस साउंड और वॉल्यूम कंट्रोलर कीज़ भी मिल जाए, जो कि एक परफेक्ट पैकेज हेडफोन है, तो आप इस ईयरफोन की ओर जा सकते हैं। ये एक बेस्ट क्वालिटी और पैकेज हेडफोन आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर आप अपनी प्रायोरिटी के अनुसार इन तीनों ईयरफोन में से किसी को भी परचेज करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।